नमस्कार आजर बुलेटिन को स्वागत करुछे मो संध्या। स्वामीर चिकित्सा निमन्ते स्त्रीर ओडिशावासीको आकुल निवेदन। भद्रक जिला पौरपालिका अंतर्गत पुरुणा बजार अंचलरे रहुछंती एही परिवार। घरे तीनोटी पाठ पढ़ुआ झियो थिबा बेले स्वामीको किडनी जनित चिकित्सा पाई स्त्री विद्रोता साहूंको मुंड उपरे अधिक बोझ। एपटे पिलामानंको खाइबा पीबा सहित पाठ पढ़ारे अधिक पैसा लागुथबा बेले अन्यपटे स्वामी किडनी जनित रोगरे आक्रांत। स्वामीको मेडिसिन पाई पैसा दरकार। तबे खबर अनुजाई भद्रक जिला पुरुणा बजार अंचलरे प्रदीप कुमार साहू आजको 4 वर्ष हेबो किडनी जनित रोगरे आक्रांत थिले। तांकर दुईटी किडनी संपूर्ण नष्ट होइजबा फळरे तांको स्त्री विद्रोता साहू गत जून मास 6 तारीख दिन तांको स्वामी को किडनी देथिले। एथसहित विजु स्वास्थ्य योजना कार्डरु 10 लक्ष टंका सरी जाइथबा बेले एबे तांको पाई अर्थ साजिछि बाधक। ऑपरेशन सफल होइछि सत, किंतु निमोनिया ज्वर रे पीड़ित होई भुवनेश्वर स्थित एक घरोई मेडिकल रे 7 दिन हेब चिकित्सा रे 4 लक्ष टंकारु अधिक टंका खर्च हो सरथिबा बेले आगको चिकित्सा निमन्ते अर्थर अभाव रहिछि। एथसह बाकी चिकित्सा पाई स्त्री विद्रोता साहू सरकार को चिठी लिखिछंती। जदि आपण माने एही परिवार को किछि सहाय्य करंते तबे खूब शीघ्र भलो होई निज परिवार लोकमानंकु फेरि पारंते एही परिवार। ओडिशा रे 4.5 कोटी भाई भूनी अछंती। जदि आपण माने टंकाटे भी सहाय्य करिय मो स्वामी पाई बहुत पैसा हिजबो मु तांकु बहुत प्रकार भलो करे मो पाखु को नेके सांगरे नेके जाई परबी। भद्रक्रु आनंद प्रसाद राउतों रिपोर्ट एनटीवी। एबे देखिबा परवर्ती खबर। 11 दिन व्यापी कला संस्कृतिर गणपर्व बैतरणी महोत्सव उद्यापित। आनंदपुर स्टेडियम परिसर रे आयोजित 11 दिन व्यापी बैतरणी महोत्सव उद्यापित हो जाइछे। उद्यापनी संध्या रे मुन्ना सिंह सभापतित्व रे आयोजित सभारे अतिथि भावे वरिष्ठ सांबादिक तथा राज्य खाद्य कमिशन सदस्य दयानिधि दास, हाटुडीही ब्लॉक अध्यक्षा सावित्री सेठी, आनंदपुर पौर अध्यक्षा रजनी राणी खटुआ, पूर्वतन पौर उपाध्यक्ष आरती सिंह, कवि अशोक पुहाण प्रमुख जोगदे बैतरणी महोत्सव भूरी भूरी प्रशंसा करने सहित महोत्सव लोकों मध्य भागवत संपर्क वृद्धि करिबारे सहायक होइथाय बोली मत देथिले। कवि अशोक पुहाण रोमांटिक भाषण उपस्थित दर्शकों को रोमांचित करिथिला। दीपक महरणा, बुना महंती, शिवेन पटनायक, सोमनाथ मिश्र, मनोज बारिक, हाड़ीबंधु राम, टुकु जेना, सीपु जेना प्रमुख सहयोग रे आयोजित एही महोत्सव शेषे अनुष्ठान संपादक प्रदीप हजारी धन्यवाद अर्पण करिथिले। बैकुंठनाथ पटनायक गोटे कविता लिखिथिले, जीवन पात्र मो भरिछ केते मते नदेल बोली प्रभु कहिबी किहे आउ, जीवन प्रियतम हरिछ मो भरम तरणी ममतम सागरे बही जाओ। कौ सागर कथा? तेणु जीवन सबुबले चलचंचल रहा कथा। आज मुन्ना भाई बैतरणी महोत्सव करुँच बैतरणी उपरे गोटे डॉक्यूमेंट्री फिल्म करी गोनाशिकारु पूरा शूटिंग करी से जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म एवं से गोटे लाइन लिखी से बैतरणी जो जहाँ पानी रे जहाँ बाली रे लेखा अच्छी अनेक कहानी से बैतरणी एवं से डॉक्यूमेंट्री फिल्म गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रे प्रदर्शित भी होती। तेणु बैतरणी उपरे जगह रहे जो कि अनेक इतिहास को भेटी पुण्य बैतरणी बहे मुझे आनंदपुर रहे जो आनंदपुर बाहा हो जाता मो भौनी गाँ को आसिले तू केमिति अच्छु बोली मो मुंडरे हाथ मारी पचारि दिए मुझे आनंदपुर रहे जो अनेक इतिहास को देखि पुण्य बैतरणी बहे मुझे आनंदपुर रहे जो आनंदपुर भाई
କାନ୍ଧରେ ଦୁଃଖକୁ ବୋହି ନେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ମୁଁ ସେହି ଜାଗାରେ ରହେ ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଇତିହାସକୁ ଭେଟିଥିବା ପୁଣ୍ୟ ବୈତରଣୀ ବହେ। ଏକ କାହାଣୀ, ମୁଁ ସେହି ଜାଗାରେ ରହେ ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଇତିହାସକୁ ଭେଟିଥିବା ପୁଣ୍ୟ ବୈତରଣୀ ବହେ। ମୁଁ ସେହି ଜାଗାରେ ରହେ ଯେଉଁ ଗାଁର ବୋହୂ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏକଥା ଭାବିଦେଇ ତା ଖୋଲା କଳସୀକୁ ନିଜ ପଣତରେ ଲୁଚେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ସେହି ଜାଗାରେ ରହେ ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଇତିହାସକୁ ଭେଟିଥିବା ପୁଣ୍ୟ ବୈତରଣୀ ବହେ। ତେଣୁ ବୈତରଣୀ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ନହେଇକି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉ। ମୁଁ ମୋ ବୈତରଣୀର ସୁରକ୍ଷା କରେ ଏଇ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ବୈତରଣୀ ମୋର, ଏ ପାଣି ମୋର, ଏ ମାଟି ମୋର। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କବିତା ଅଛି ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ସ୍ୱାଇଙ୍କର, ତମେ ଲୁଟି ନେଲ ବଣ ବିଲ ନଈ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ଆମର, ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ଜଣେଇଲ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଏସିରେ ଚୌରାସିଆଙ୍କ ବଂଶୀରେ ରାଗ ପାହାଡ଼ିଆ କେଦାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମାଟିରେ ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ବୈତରଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଏ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଏ ମହୋତ୍ସବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଶ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ଆନନ୍ଦପୁର ସୋମନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଟିଭି। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଭାରତ ମସଲା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାରଙ୍ଗ ରାମଦାସପୁର ସ୍ଥିତ ଭାରତ ମସଲା କମ୍ପାନୀ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଓ ଯୁଗପୁରୁଷ ରାମଲାଲଙ୍କ ମଥାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିକୁ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ ପିନ୍ଧାଇବାରେ ଯାହାଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଗ୍ରଣୀୟ, ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସରୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଭାରତ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରବି ନାରାୟଣ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସେବା ଭାରତ ସମ୍ମାନ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ କରି କବିତା ସଂକଳନ ଗାଁ ପାଇଁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଓ କବିତା ସଂକଳନ ଦୟାନନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଡକ୍ଟର ଗାୟତ୍ରୀ ବାଳା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କଥା ଭାରତ ସମ୍ମାନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଟିଭି ଧାରାବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପ୍ରଯୋଜକ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତ ସମ୍ମାନ, କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଜାତୀୟ ପର୍ବତାରୋହିଣୀ ସୁଶ୍ରୀ ବିଭାରାଣୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାରତ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ମସଲାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଚିନ୍ମୟ ପାତ୍ର, ଶିଲ୍ଭା ସାହୁ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଗିରିଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଜୟ ଭାରତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ସହ ଉପଢୌକନ ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ମଫସଲ ଗାଁରୁ 1999 ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତା ହେଇ ଗଛଟିଏ ବାହାରିଥିଲା ଭାରତ ମସଲା, ସେ ଆଜି 25 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି 25 ବର୍ଷର ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ 25 ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଦର ସ୍ନେହରେ ଆମେ 25 ବର୍ଷରେ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏହି 25 ବର୍ଷରେ ବାସ୍ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ, 25 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଟିଏ ହେଇଛି ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ 10,000 ପରିବାର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଛାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବୃକ୍ଷଟି ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ କରିବୁ ସରକାର ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜାପୂଜାରେ ପୂଜ୍ୟ କରି ପୂଜା କରି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉ। ସେହି ଅବସରରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଡକ୍ଟର ସରୋଜ କୁମାର
पाणीग्राही जेकि जड़े इंजीनियर भारत गौरव सम्मानित करूँ सेवा भारत सम्मान ए बर्ष कर डॉक्टर रविनारायण सेनापति जेकि सेवार सारा जीवन बीते डॉक्टर गायत्री बेल पंडा कथा भारत सम्मानित करूँ विशिष्ट लेखिका जी ओडिया झील जे दुई दुई थर केन्द्र एकाडेमी अवार्ड में सफल पाइबार सुजोग पाई आउ संस्कृति भारत बर्ष आम सम्मानित करूँ श्रीजुक्त सीताराम अग्रवाल एवं श्रीमती नमिता अग्रवाल जिकि ओडिया चलचित्र हो चित्र जगत होकर अवदान कहले न सरे से भाई क्रीड़ा भारत ए बर्ष आम सुश्री भिवाराणी पात्र पर्वत आरोही करूँ विद्या भारत प्रत वर्ष युक्त दूरे जो मैंने विज्ञान वाणिज्य एवं कलार उत्तीर्ण होता भल से मोर भौणी प्रज्ञा परमिता गिरी एवं भौणी सिलिभा साहू एवं चिन्मयी पात्र सम्मानित कर 25 वर्ष मु ग्राहक मानक कहबी आपण मान आदर स्नेह आज मफसल गाँ 400 टंकार आरंभ होता भारत मसला आज गोटे 10,000 परिवार रो डेली रुटी बनी पार्टी ये काम केवल आपण मान आशीर्वाद रही आज ये आपण मान को से आशीर्वाद भिक्षा मागुच चेयरमैन भारत मसला जय भारत फाउंडेशन कौन कही सेवक जोबले नई पड़े आशीर्वाद मिले छिड़ा है समवयस तीन टा कथा गुरुजन मान को प्रणाम कर समवयस प्रेम कर छोट पा स्नेह दि ए दुनिया चरित्र या बुद्धि विवेक ज्ञान बोले क्या असाध्य मई तले भोके रही भिक दबार आनंद मो छुआ को पाठ पढ़ापी मुझ दुआर दुआर बुलूली यूनाइटेड मस्ट बी गेटेड एक सब पर मिसीगल अनेस्ट इज गड कस्टमर इज गड सेवक हवा मालिक सबका मालिक एक मालिक हवा नहीं सेवा ही मोर धर्म खाली ओडिशावासी नुह भारतवासी सेवार आपण मानकर सहयोग जो दे लक्षे राजार मौड़मणि जगतर नाथ जगन्नाथ को भी सेवार सुजोग दे प्रभु आँ चाहिए ये कथा जहा करवा ठीक करवा जहा कह ठीक कह एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम आज भी प्रॉब्लम नहीं काली भी प्रॉब्लम नाला कारण भात डाली तरकारी आनंद पखा ना मुझे चाइन गोटे कही आर भाया पाकिस्तान कोई मन पड़गला अरे हम छह रोज हुआ चाउल खाए ही नहीं वो जहाँ भी देखते हम खा नहीं सकते क्या करें ना एक पाकिस्तान का पिटबुल से बात किया हम बोला भैया हमको सिर्फ चावल दरकार हम कहाँ जहाँ चावल मिलेगा नीमक और पानी डाल के खा लेंगे जो मत नहीं गोटे होटल वाला मेरे चाचा या इसको सिर्फ चावल लेना कुछ फेवर नहीं लेना लेकिन हमको खाने को दिल नहीं था बार बार से खा लिया कोई भी है दुनिया आउ कौन कह ऋतु को भल लगुनि विश्व दरबार में ये बड़ कंपनी कड़े उड़ीगले भारत मेरे भारत महान हम किसी से कम नहीं आमे ओडिया खाऊ बगड़ा करू बढ़िया जय जगन्नाथ कटकु राजेन्द्र छोटराय रिपोर्ट एनटीवी एबे देखिबा परवर्ती खबर कटक्रे स्वायत्त शासन दिवस कार्यक्रम उद्घाटन तेब यह उद्घाटन उत्सव में जोगदे केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यहाँ राज्य खाद्य जोगाण मंत्री राज्यसभा सांसद कटक लोकसभा सांसद मेयर विधायक और अन्य उद्घाटन कार्यक्रम में जोगदे बक्सीबजार छक बक्सी जगबंधु प्रतिमूर्ति अनावरण समय जदियों यह एक सरकारी कार्यक्रम थिला हेले समय बीजेपी बीजेडी कर्मी
ବିଜେଡି କର୍ମୀ ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଗୌରବର କେନ୍ଦ୍ର, ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ କଟକ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇଠି ଆଜି ମୁଁ ବକ୍ସି ବଜାର, ବହୁ ପୁରାତନ ବକ୍ସି ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ମହାସଂଗ୍ରାମୀ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି, ଖଡ଼ଗଧରା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ବକ୍ସିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ତା ସହ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା, ଏଇଠି ଆମର ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ ଥିଲା, ଜେଲ୍ର କିଛି କୋଠରୀ ଏବେ ବି ସ୍ମୃତି ଆକାରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ବିଗତ 20-25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଇଠି ଜେଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିକି ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ୟାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଏ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ତିରଙ୍ଗାର ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼େଇବାର ବି ମୌକା ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନ ଅବସରରେ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକ ସହର ସ୍ଥାନ ଅନନ୍ୟ। କଟକରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖବର ଜାରି ରହିବ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ସହ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଯଥା ଡାଇରିଆ, ଜଣ୍ଡିସ୍, ଟାଇଫଏଡ୍ ଆଦି ବ୍ୟାପେ, ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତଟକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଫୁଟା ପାଣି କିମ୍ବା ହାଲୋଜେନ୍ ବଟିକା ପଡ଼ିଥିବା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଶୌଚ ହେବା ପରେ ସାବୁନରେ ଭଲଭାବେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା। ଗିରଫ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଗତକାଲି ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଧରିବା ପରେ ରାତିଯାକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫରେଷ୍ଟ କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଭୋରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ନଗଦ 14,80,000 ଟଙ୍କା, 25 ଭରି ସୁନା ମିଳିଛି। ଏହାସହ ଟିକିରିରେ 3 ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ ରହିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ 4 ପ୍ଲଟ, 2 ଚକିଆ 2 ଓ 4 ଚକିଆ 2 ଗାଡ଼ି ଠାବ ହୋଇଛି। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ଶେଷ ପରେ ଏହି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଟିକିରି ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି। ରାୟଗଡ଼ାର DFO କଲୋନୀରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ ଠିକାଦାର କ୍ଷେତ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ କାମ ବାବଦରେ ବିଲ୍ କରାଇଦେବାକୁ କହି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଠିକାଦାର ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଚଢ଼ାଉରେ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 15 ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିବା ସମୟରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ, ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NTV। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜିଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ।
मोट दुईट सिफ्टे 20 जन पूर्वतन सेना कर्मचारी मुतयन होते आज सका 10 जन आनंद बजार और मंदिर बेढ़ मुतयन होता बेले अपराह दुईटू आउ 10 जन मुतयन होते आनंद बजार श्रृंखला और संस्कार नहीं सेना निवृत्त कर्मचारी मुतयन करपकार और अणसुपकार नजर रखिए स्वतंत्र सुरक्षाकर्मी विशेषकर आनंद बजार में बासी अभड़ा बिक्री उपर रोक लगे प्रयास रिपोर्ट एनटीवी खबर उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिद्देव आज दिनिकिया गस्तरे आसी माँ कटक चंडी और गड़चंडी पूजार्चना और दर्शन करिसंती। अवसर में उपमुख्यमंत्री कहिसंती जे माँ को नवीकरण प्रकल्प पूर्व सरकार समय रे आरंभ होई बेस आगे जहाँ काम बाकी अच्छी ताहा ए सरकार समय रे निश्चिंत भावे संपूर्ण हेबो तबे काम हेबा और सरीबा सब माँ चंडींकर इच्छा। अन्यपक्ष रेभेन्सा विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन नहीं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जहाँ कहते ताकर व्यक्तिगत मत यह मोर किसी मत ना बोली कनक बर्धन सिद्धे कहते देखु मोर सौभाग्य आज 1 सेप्टेम्बर दिन माँ चंडी कटक दर्शन करने सौभाग्य पाई कटक्र भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ता मो तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करने चाहे। इलेक्शन पूर्वर अनेक प्रकार अनेक कार्यकर्ता भारतीय सत्ता को आणवाई एवं तांको पूजा जेहेतु सफल होती मो सांगे से माने जत्ते बेले भी जोगाजोग करूथले मते अनुरोध करूथले कि आसिकरी माँ कटक चंडी दर्शन करने आज जेहेतु अन्य किछि कार्यक्रम थिला जोटा बातिल हो जाइछि वर्तमान पई कटक चंडी माँ को दर्शन करने भी कार्यक्रम आम जेहेतु कार्यक्रम रखिथलु अन्य कार्यक्रम बातिल बा सत्ते आज माँ को दर्शन करिवार सौभाग्य प्राप्त करी आपण जो मंदिर रो उन्नतीकरण बाबद्रे पचरुले मुझे बाबद्रे कहवापी चाहे माँ को उन्नतीकरण सुनिश्चित आकार रहे बो माँ न चाहिले तांकर कौन सी प्रकार कार्य आगे बढ़ी पार नहीं गत सरकार समय रे जहाँ अटकी रही था वर्तमान रो सरकार सुनिश्चित आकार संपूर्ण कर कटकु राजेन्द्र छोट्राई रिपोर्ट एनटीवी। एबे देखिबा परवर्ती खबर कटक दुर्गा पूजा भसाणी रे बाजीब नाही डीजे एने कटक महानगर पूर्वांचल शांति कमिटी बैठक रे सर्वसम्मति क्रमे प्रस्ताव गृहीत होई पूर्वरु गणेश पूजा को डीजे मुक्त करने निष्पत्ति ग्रहण करथिले पूजा कमिटी भसाणी समय रे डीजे व्यवहार न करने पूजा कमिटी गुड़ी को पुलिस पक्षरु निवेदन करा जायथला एवं पुलिस रो एही निवेदन को ग्रहण करिवारो पूजा कमिटी गुड़ी को प्रशंसा करिछंती पुलिस कमिश्नर तबे भसाणी समय रे डीजे व्यवहार को संपूर्ण ब्यान करा जायछे एवं पूजा कमिटी माने अति बेसी रे 6 साउंड बॉक्स व्यवहार करि पारिबे बोली सीपी कहिछंती। पूर्वांचल शांति कमिटी तरफ बैठक अनुषित होता है सब पूजा कमिटर सदस्य मैंने जो दे शांति कमिटर सदस्य बहुत भल भाव आलोचना होती अवसर में गोटे जो गीत रिलीज कर जो जो विजे बाजिब ना निशा मुक्त कमी हो विशेष ध्यान दि जाए आज समस्ते आमको प्रतिश्रुति से मुक्त पूजा करेंगे प्लस निशामुक्त पूजा मध्य करेंगे तेणु आम समस्ते मिलमिशिकी कमी शांतिपूर्ण भाव में हम से आम समस्त चेष्टित अलाउ कर तेनाली विजे जोटा बास केवल आम जहाँ हाईकोर्ट का निर्देश रही छा म्यूजिक बक्स से ही अलाउ कर अंटा अलाउ करना एवं खास करके आउ गोटे जिनस रोचे फोर्सिबल चंदा कलेक्शन तामर आभिमुख्य सब कठोर फोर्सिबली जदि कहीं कौट चंदा कलेक्शन करते आम निश्चित भाव में एफआईआर करूँ कार्यानुषान निश्चित भाव भल पदक्षेप गोटे नि जेहेतु समस्ते
पूजा कमिटी तरफ से प्रतिश्रुति से दिगे काम करेंगे प्लस आम गोटे जो गीत आवेरने करने बढ़िया गीत करमें आवेरने करूँ समस्ते चेष्टा कल निश्चित भाव से दिगे अधिक प्रोग्रेस कर शरत कुमार साहू खानगर बासिंदा सब अनुष्ठान भी किसी किसी अच्छी बुझे पूजा कमिटी सहित जड़ित निशामुक्ति भसाणी आज डीसी सार गोटे आवेरने कले स्वागत योग्य किंतु मुझे अनुरोध करसाणी दशहरा आगुरु कटक सहर किसी मद दोकान बंद करा जाऊ मद बंद हेले लोक किसी सचेतन हेबे सेटा मु प्रशासन पाखे अनुरोध करुच्ची मोर निवेदन हाँ पॉलीथिन एमती तो आवेरने कर सीएमसी पॉलीथिन मुक्त किंतु कौन सी कार्य हो दीर्घ वर्ष होगा एम चली आम मैंने भी आवेरने कर पूजा कमिटी तरफ कटक सहर जिते पूजा कमिटी कौन आवेरने कितु जो पॉलीथिन गंथाघर आगे सेठी प्रशासन जीवा दरकार सचेतन करईटा को मुक्ति कले लोक जनसाधारण किसी उपकृत हे एवं तो नूतन सरकार आसी जिते गुड़ी अबकारी डिपार्टमेंट मद दुकान खोला जाइए कि नूतन सरकार भी अनुरोध करी आउ कि मद दुकान करा न जाऊ जो युवपीढ़ी मैंने भ्रष्ट मद पीकि अति मैंने अमानसिक कार्य कर मद दुकान को बंद करागले कटक सहर मद दुकान बंद कले कटक सहर ओडिशा रे एक नंबर हम बोली मोर बहुत विश्वास नलित मोहन साहू खानगर खपुरा सरपंच पूजा कमिटर उपसभापति आज जो प्रस्तुति बैठक डिक्लारेसन है जो निशामुक्त ये स्वागत जग ये जिनस बहुत आगुरी हवा दरकार था जा हो आज गोटे आह्वान गला पूजा कमिटी आज पूजा कमिटी मध्यम कटक टाउन गोटे गोटे आह्वान गला निशामुक्त करने का एथेर जी समस्ते सहयोग करिए सब पूजा कमिटी सब पूजा कमिटर कर्मकर्ता मैंने सहयोग करते निश्चित भाव ये सफल हो गले आशा करुच्छे मुझ समीर कुमार पंडा बयालीसमी दुर्गा पूजा कंपनी संपादक आज आमर दशहरा उपलक्षे समस्ती की हार्दिक अभिनंदन आज आमर दुर्गा पूजा कमिटी बयालीसमुजा तार आनुकूल्य आम पूर्वांचल शांति कमिटर प्रस्तुति बैठक एवं भसाणी शोभायात्रा विषय आलोचना सब होता आम प्रशासनिक स्तर में जो कथ आलोचना आम समस्ते स्वागत करें निशामुक्त आजे मुक्त भसाणी करने प्रतिश्रुतिबद्ध हाँ आज जो आवेरने का पुलिस प्रशासन करते आमर प्लास्टिक मुक्त आउ निशामुक्त आम स्वागत करुचु पुलिस प्रशासन को जोटा कि आम हित कार्य जिनस आम समस्त बुझाक पड़ो आमर प्रस्तुति रही वर्ष को मिसले आम 25 वर्ष होमें 25 वर्ष रौप्य जयंती पालन करुचु आम यर्ष पीतल मेढ़र आज एम उद्घाटन हम आम ताप प्रस्तुत करूँ आर वर्ष तो आम प्रस्तुत करूँ जहाँकि ये वर्ष संपन्न करूँ आ रौप्य जयंती उद्घाटन करूँ ऋतु आरंभ हो सारी आज कटक महानगर पूर्वांचल शांति कमिटी अंतर्गत समस्त पूजा मंडपर सम्मान सभापति संपादक सीपी महोदय डीसी महोदय एडिशनल डीसी महोदय पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन कटक सहर समस्त राजनीतिक नेतृवृंद को नहीं कटक सहर दशहरा उत्सव को पालित करेक्षी में आमर जहाँ समस्या अच्छी आम पूजा कमिटी समस्त सब पूजा कमिटर प्रस्ताव को मिलित भाव आम पारित कर आज प्रशासन निकट में प्रस्थापन कलु से मुख्य समस्या हूँ रास्ता घाट गछ डाल काटा केबुल तार इलेक्ट्रिक तार टेकवा एवं आमको स्वल्प मूल्य विद्युत जोगेद सहित गत वर्ष मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री जो भाई छाड़ करते चलित बर्ष बोध नूतन भाव दायित्व नेता राज्य मुख्यमंत्री महोदय को आम नवेदन करुचु जे तोरण करने मंडप करने जो देय सीएमसी रे दाखल करा चलित बर्ष छाड़ करा सहित बड़ कथा हूँ प्रशासन पुलिस प्रशासन तरफ गोटे ऑडियो कैसेट आज उन्मोचन होगा सीपी महोदय करसीपी कृष्णचंद्र सेठी महोदय जहाँ को निज स्वरचित और स्वकंठ से आज परिप्रकाश करे निशामुक्त भसाणी एवं डीजे मुक्त रोशनी पॉलीथिन मुक्त पूजा करने मुझे आशा विश्वास रखी कटक सहर आर गोटे प्रभाव पड़ो एवं आम जदि जुव विशेषकर युवक मुरबी मैंने अंटा को भिड़ा तेज निशा ही सब विपदर कारण तो निशा जदि बंद होगा एवं डीजे जदि बंद है कटक सहर निश्चित भाव गोटे भाईचार सहर ता अक्षुण्ण रमर सन्देह नाई या सहित आम समस्त बड़ कथा गत वर्ष मेढ़ गुड़िक प्राय पेंडिंग दीर्घ समय रहीगला छ घंटा सात घंटा आठ घंटा रहा
समस्त मन में दुख है लक्ष लक्ष टा खर्च कर शोभायात्रा सामिल होवल कटकिया देखती नहीं दशहरा को कटक सहर आखपाख अंचल अन्न्य जिला तथा राज्य बाहर आसी था बहुत श्रद्धा ये कटक सहर दुर्गा पूजा को उपभोग करने तेणु मुझ आशा विश्वास रखुच्छी प्रशासन गुरुत्व दे मेढ़ गुड़ को चलित बर्ष चलचंचल भाव कि गतिशील हे तार पदक्षेप ने मोर आशा विश्वास चलित बर्ष आम समस्त साहयोग मोर मीडिया बंधु मानयोग चलित बर्ष दुर्गा पूजा को आम अत्यंत शांति श्रृंगलार सह समापन करवा कटकु राजेन्द्र छोट्राई को रिपोर्ट एन टी एवं देखा परवर्त खबर पुणी बंगोपसगर में दाना बंधुची आउ एक लघुचाप आसंता 4 तारीख में पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर में लघुचाप संभावना रही घनीभूत हो अवपात परिणत हो पाए अवपातटी छत्तीसगढ़ मुहां हेबानी आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र लघुचाप प्रभाव में 4 तारीख रु पुणी प्रबल बर्षिब गतकालीर अवपात आज उत्तर आंध्र प्रदेश एवं दक्षिण ओडिशा उपकूल रही गत 6 घंटा हेब घंटा प्रति 15 किलोमीटर बेगरे गति करुछि अवपात विशाखापाटना ठारु 90 किमी एवं मालकानगिरी ठारु 120 किलोमीटर दूर रही आसंता 24 घंटा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गतकाली दक्षिण ओडिशा उपकूल अतिक्रम करिब परे दुर्बल होई वेलमार्क लो प्रेशर रे परिणत हेब यार प्रभाव में आज दक्षिण ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेब गंजाम गजपति रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कोलाहांडी रे 70 रु 200 मिलीमीटर वर्षा पर्यंत हेबार संभावना रही उपकूल ओडिशा रे मध्य हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा लागी रहिब विशेषकर पुरी खोर्धा कटक नयागढ़ जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर रे वर्षा हेब बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणिपाग केन्द्र ब्यूरो रिपोर्ट एन टी आज तो समय सरी आज बुलेटिन को ये रखुचु अधिक खबर पर आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ और डाउनलोड करूँ निष्कर्ष.com रोचु नमस्कार।